बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन मैं कहूंगा बुलाता है मगर जाने का नहीं, फंसाता है मगर फंसने का नहीं। और ये दो लाइनें मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप बेहतर समझ पा रहे होंगे अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हो और आप एक ITI स्टूडेंट हो, तब तो आप ये जरूर समझ रहे होंगे। मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं आपको बचाने की कोशिश करता हूँ कि भाई बुला रहा है मत जाओ, वैसे आप अगले बच्चों को, जो भी आपके जान पहचान के आपके रिश्तेदार या दूर के दोस्त या नज़दीक के दोस्त होंगे, उन तक ये बात जरूर पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहते हैं ना कि अब पछतावे हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, अब या तब जो भी हो, थोड़ा सा कम गड़बड़ है अपना, उतना बहुत नहीं मैं बोल पाता, बट सब मिलाकर यही होता है कि काम खराब होने से बेहतर है कि पहले ही सही कर लो और उसके बारे में सोच लो। ये भाई मशहूर कवि या शायर कह लीजिए, इन्होंने ये बड़ी भयंकर लाइन है, अक्सर मैं ये सुनता हूँ और आप भी सुनते हैं, बुलाती है मगर जाने के नहीं, और इस पर ढेर सारे आपको मीम्स मिलेंगे और दुनिया भर के आपको पोस्टर बैनर्स मिलेंगे। बट एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ITI में। पहली बात तो ITI की बात करते ही बहुत सारे लोग होंगे, ITI की बात करते ही बहुत सारे लोग होंगे, जैसे बारिश होती है तो मेढक निकलते हैं और टर 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 बोलना शुरू कर देते हैं, इसी प्रकार से ITI का नाम सुनने के बाद एक प्रजाति होती है जो सीधे चिल्लाना शुरू कर देती है, यही शब्द है वो यहाँ शुरू हो जाती है, बेकार है बेकार है बेकार है, ITI करके बेकार है, ITI करके बेकार है, एक ये भी शब्द शुरू हो जाता है। तो चलो ITI करना ना करना वो तो आपकी इच्छा है, बट हम जो बताना चाहते हैं आपको, क्या बताना चाहते हैं कि गलती से अगर आपने डिसाइड कर ही लिया कि आपको ITI करना है, तब देखना क्या होने वाला है। एक दो चीज और है जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है, यहाँ पर हाइक कम होने वाली है, थोड़ा ज्ञान की बातें हैं, लेकिन ये ज्ञान आप फैलाना अगले तक, मैं नहीं कह रहा कि वीडियो फैलाओ, ठीक है, लेकिन आपसे जो भी मिलेगा ना उस बच्चे को ये समझाने की कोशिश करना, क्योंकि अगर आप ITI कर रहे हो तो आपके पास इस बात का अनुभव होगा और आपके पास प्रमाण भी होगा, तो अगले को आप बता सकते हो जो आपकी नई पीढ़ी आने वाली है, जो नए बच्चे आने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा 10 मिनट दीजिए, मैं कुछ बताना चाहता हूँ जो बहुत कड़वी सच्चाई है, ठीक है। एक ये वाला भी सेंटेंस है, बेकार है भैया सब, मैं तो टूट की जगह आप लूट समझ लो, ठीक है, बेकार है भैया मैं तो लूट गया आप, ठीक है। एक ये भी सेंटेंस बहुत परफेक्ट बैठता है ITI में, भाई बेकार है यार मैं तो फंस गया, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, ठीक है। इसमें भी दो मायने हैं, एक है ITI करके और एक होता है ITI कॉलेज में फंस के, दो दो सीन फंस रही है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे भाई सफलता क्या है, हम क्यों ITI को बेकार कह रहे हैं, या आप जो ये दूसरे वाली प्रजाति है जो इसको बेकार कहती है, फिलहाल मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो किसी भी कोर्स को बेकार नहीं कहता, ठीक है। एजुकेशन एक अलग चीज है, अब एजुकेशन एक अलग चीज है, आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर पांचवी फेल, क्या भाई पांचवी फेल वाले भी पैसे छाप रहे हैं, है ना, पैसे छाप रहे हैं, तो वो अलग चीज है, पैसा कमाना अलग चीज है, पैसे से अगर आप सफलता जोड़ रहे हो तब तो भाई इसका कोई लेना देना नहीं है कि ITI से ही आप तीर मार दोगे या फिर आप BTech डिप्लोमा से तीर मार दोगे। आजकल आपने सोशल मीडिया पर एक वो चाय वाला भी देखा होगा, आपने ऐसे चश्मा लगाता है, उसके बाद बड़े बड़े बाल है, उसके बाद ऐसे पैकेट खुलेगा करेगा, जीभ के पास से घुमा के दूध उधर मारेगा, चाय ना हो जैसे वो कोई अमृत अमृत जो मंथन करके नहीं निकलाता समुद्र में से, तो मतलब क्या है, वो हो सकता है वो पांचवी पढ़ा है वो या दसवीं हो भगवान जाने, लेकिन पैसे तो छाप रहा है, तो एक नजरिया वो भी है सफलता को देखने का। फिलहाल मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि अगर आपने डिसाइड कर लिया गलती से कि भाई ITI करना है, ठीक है, वैसे मैं तो कहूंगा कि करिए, ठीक है, क्योंकि ITI करने के बाद क्या होगा वो तो चलो मैं बात की बात कर लेता हूँ। अगर आपने शुरू किया ना कि हाँ चलो ITI कर लेते हैं, तो अब इसमें दो प्रकार के बच्चे होंगे, ITI करने वाले में भी दो प्रकार के प्राणी होंगे, इस दुनिया में प्राणी अलग अलग होते हैं, हम आप जैसे इंसान भी अलग अलग विचारधारा करते हैं। एक होता है सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए होता है उसको, क्या चाहिए होता भाई, सर्टिफिकेट चाहिए हमें, ठीक है, थोड़ा हो सकता है ये सर्टिफिकेट मैं गलत लिख दे रहा हूँ, जो भी हो। और एक होता है कुछ करना है इसी के बेसिस पर, ITI के बेसिस पर ही कुछ करना है। दिक्कत दोनों के साथ है, दोनों को क्या होगा, दोनों को ऑफर मिलने शुरू हो जाते हैं, ऑफर मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, दोनों को क्या मिलता है, ऑफर। मैं पिछले 5 वर्षों से हूं तो बहुत सारे ऑफर वाले बच्चे मेरे पास आते हैं, और यहाँ पर एक है ये भाई,
ठीक है, एक ये भाई है जबरदस्त वाला, इनको ऑफर देता है, इनको मजेदार मजेदार ऑफर देता है। मैं बताता हूँ क्या क्या ऑफर देता है, मार्केट में क्या क्या स्कीम चलती है। भाई 2,000 रुपये दे दो, आईटीआई करा दूंगा, फ्री में आईटीआई करा दूंगा, स्कॉलरशिप पर आईटीआई करा दूंगा, प्रैक्टिकल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरह से सिस्टम चलता रहता है। और ये होता है इसका, ये ना तो कोई डीजीटी का आदमी है, ना कोई मुख्यमंत्री का आदमी है, ना कोई ये आईटीआई कॉलेज का है प्रबंधक, कोई नहीं है, एक है। तो इसी से मैं कह रहा हूं कि ये बुलाएगा मगर जाने का नहीं, ये फंसाएगा मगर फंसने का नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं, अब होगा क्या, ये क्या करेगा, आपका एडमिशन आपका डॉक्यूमेंट लेगा, किसी कॉलेज पर दे देगा, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, बहुत बुराई नहीं है, किसी कॉलेज पर दे देगा, कॉलेज से बात करेगा कि भाई मैं आपको एडमिशन दे रहा हूँ, कॉलेज वाले को 10,000 रुपये दे देगा और आपसे लेगा 20,000, 30,000, 40,000, इस तरह का कोई आपसे पैसा लेगा। फिर बाद में आपसे कहेगा कि प्रैक्टिकल के नाम पर ये आपसे पैसा लेगा, कॉलेज भले ही ना ले, ये लेगा, आपको ब्लैकमेल करेगा कि ये चाहिए तो ऐसा करना है, वो चाहिए तो ऐसा करना है, दुनिया भर की चीजें डराएगा, क्योंकि आपको देखना वो कोशिश करेगा कि आप डायरेक्ट कॉलेज में जाकर ना मिल पाओ, ठीक है। तो अगर जो आईटीआई करने का सोच रहे हैं, और आईटीआई करना क्यों चाहिए नहीं करना चाहिए उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा, तो पहले भाई इससे बचो, इससे नहीं बचोगे तो क्या होगा, ये जो स्कीम है ना, इसमें बड़ा लफड़ा फंसता है। क्या फंसता है अभी मैं बताता हूँ, क्या फंसता है भाई, पहले तो ये आपको बोल के किसी कॉलेज में एडमिशन दे देगा, ठीक है, किसी कॉलेज में एडमिशन करा देगा आपका, आपसे ले लेगा एडवांस में 10,000 या 5,000 रुपये, कॉलेज में देगा 1,500 रुपये फॉर्म भरने के नाम पर। उसके बाद ये दिल्ली मुंबई कहीं कमाने निकल जाएगा। अब उसके बाद आप कॉलेज जाने शुरू करेंगे, पढ़ने और एग्जाम देने की बात करेंगे, कॉलेज कहेगा भाई फीस दीजिए हमें, ठीक है। ये बहुत केसेस आते हैं, फीस दीजिए, आप कहोगे सर हमने उसको दे दिया, कॉलेज कहेगा उससे क्या मतलब है, हमें हमारे यहाँ फीस की रसीद आपकी नहीं कटी है। तो आपको पहले तो यहाँ से आपकी आईटीआई नहीं पूरी होने वाली, पहली गलती तो यहाँ हो जाती है, ठीक है, वो निकल जाएगा, उसको 10-20 लोगों को मुर्गा बनाएगा, निकल जाएगा। दूसरी दिक्कत क्या आएगी, दूसरी दिक्कत आएगी कि ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा किसी को दे देगा, फॉर्म भर देगा, और क्या होगा, या तो आपका नाम गलत हो जाएगा, या तो पिता का नाम गलत हो गया, या तो डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई। अब आप आईटीआई का जब कॉलेज तो डायरेक्ट कांटेक्ट कर नहीं पाओगे, उनसे डिटेल ले नहीं पाओगे, जब एग्जाम दोगे तो पता चलेगा सबका सब गलत है, अब सुधरवाने के नाम पे आप 5 साल से इंतजार कर रहे हो, सही नहीं होगा, कौन कैसे होगा, क्योंकि पहले ही एडमिशन के समय पर ही 2-3 बार मौका मिलता है चीजों को सही करने का, वो तो आपने किया नहीं। उसके बाद कॉलेज पर भी देखना भाई, कुछ कॉलेज भी कैसे चलते हैं, कुछ कॉलेज कैसे चलते हैं पता है, हालांकि इस पर बहुत से बुरे कमेंट भी आने वाले हैं, कुछ कॉलेज ऐसे चलते हैं, अच्छा एडमिशन का समय आ गया, यहाँ पर बोर्ड लग जाएगा आईटीआई का, क्या हो जाएगा, आईटीआई का बोर्ड लग जाएगा, यहाँ पर जो इस तरह से ताला है वो ताला खुल जाएगा, 2 महीने ताला खुला रहेगा, 2 से 3 महीने जब तक एडमिशन होता रहेगा, 2 से 3 महीने खुला रहेगा ताला, वो आपसे एकदम 5,000, 4,000, 2,000, 8,000, 500, 1,000 कुछ भी रुपए पर एडमिशन लेने को तैयार रहेगा। एडमिशन का काम खत्म होते ही ये ताला बंद हो जाएगा, ये नाम बदल जाएगा, हो सकता है उस कॉलेज का नाम हो जाए कोई कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है। अब ये कुछ दिन गुमसुम रहेगा, परीक्षा का समय आएगा, फिर आपको फोन जाना शुरू हो जाएगा, फिर कुछ लोगों को फोन भी नहीं जाएगा, कुछ लोग जाएंगे कॉलेज पे कहेंगे सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया, फिर ये पेपर पलटेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, फिर कहेंगे एनसीबीटी से आपका रोल नंबर ही नहीं आया, हुआ क्या, क्योंकि जब ये दुकान खुली थी उसी दौरान एडमिशन हुआ, और दुकानदारी चलते समय कुछ सौदा बिकता है कुछ नहीं बिकता, मतलब कुछ फॉर्म इधर उधर रह जाएंगे, छूट छाएंगे, फॉर्म भराएगा ही नहीं, एडमिशन होगा ही नहीं, आपको खुद लगेगा कि हो गया, आप क्यों गए ऐसी जगह पे, क्योंकि यहाँ पर आपको सस्ता माल मिलेगा, सस्ता माल मिलेगा, इसलिए आप जाओगे, सोचोगे 5,000 रुपये में बचा लिया, 5,000 रुपये आपने बचा लिया, लेकिन आपका एडमिशन ही नहीं हुआ। फिर कॉलेज वाला बोलेगा एनसीबीटी से आपका रोल नंबर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, अगले साल आपका मैं करा दूंगा उसी फीस में, कोई फीस देने की जरूरत नहीं, 1 साल आपका बेकार हो गया। उसके बाद कुछ कॉलेज ऐसे भी होंगे, ठीक है, कुछ कॉलेज ऐसे भी होंगे जहां पर क्या होगा, पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा आपको कोई, है ना। तो ऐसे ही गिनती के कुछ लोग होते हैं, इन लोगों से आप बचिए, आप डायरेक्ट कॉलेज जाओ, ठीक है, आप डायरेक्ट कॉलेज जाओ, अगर एडमिशन प्लान बना दिए अपना तो वर्कशॉप देखो वहां पर, जिस ट्रेड में एडमिशन ले रहे हो। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं
इलेक्ट्रीशियन का मान्यता है, फिटर डीजल मैकेनिक कोपा सारा एडमिशन अपने यहाँ लेंगे, मान्यता भी नहीं है। तो उनकी मान्यता चेक कीजिए एनसीबीटी की वेबसाइट पर, वो उनका नाम है कि नहीं, कितनी सीटों की मान्यता है ये चेक कीजिए। कई कुछ जगहों पर ऐसा भी होगा कॉलेज की सीट है 100, एडमिशन ले लेंगे 500। आपने तो एडमिशन कराया अपने बगल में 10 किलोमीटर दूर कॉलेज में, एग्जाम देना हुआ तो पता चला आपका कॉलेज तो आपके घर से 80 किलोमीटर दूर है, ये कैसे हो गया? हे प्रभु हे जगन्नाथ, ये क्या गेम? गेम से बचेंगे नहीं तो क्या होगा, फिर कुछ न कुछ इसमें नुकसान ही होगा, नुकसान ही होता है, फंसता है बच्चा, फंसता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से कॉलेज से एडमिशन उठ के यहाँ पर गया, और इन दोनों के जब रिश्ते खराब होंगे, जब इन दोनों के रिश्ते खराब होंगे तो आपका एडमिशन खराब होगा, और ये चीजें होती हैं। मैंने बच्चों के मुंह से सुना है, ठीक है, मैंने बच्चों के मुंह से सुना है, हमारा तो ऐसे हो गया, हमारा तो ऐसा हो गया। कुछ कहते हैं सर वो कॉलेज उसी का है, अरे एक ही आदमी का दूसरा कॉलेज कैसे हो पाएगा? तो आपका जब दूसरा कॉलेज है तो दूसरे में ही एडमिशन लेंगे ना। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। वहां के पुराने बच्चों से मिलिए, पुराने बच्चों से मिलिए, उनसे पूछिए कि भाई कोई अवैध वसूली तो नहीं होती है? अवैध वसूली मतलब आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कोई अवैध वसूली तो नहीं होती है? ये नहीं करोगे तो ये दे दो, इसको ऐसा कर दो, ये फीस दे, वो फीस दे दो, ब्लैकमेलिंग। मतलब आईटीआई आपकी जो फीस है, अधिकतम निर्धारित फीस क्या है उत्तर प्रदेश में? तो 18-36 हजार है कि ये कॉलेज मैक्सिमम पर ईयर 18 हजार रुपए ले सकता है, ठीक है, उसके बाद की फीस का तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो अब जगह जगह अलग अलग स्कीम पे है ना, हो सकता हो किसी चीज की फीस 500 रुपए लगती हो और कॉलेज आपसे लेने लगे 3000 रुपए, फिर क्या कहोगे आप? कहोगे ये वाली लाइन याद आएगी, अरे यार मैं तो फंस गया, मैं तो लुट गया। तो ऐसा क्यों करना? एडमिशन लेना है डायरेक्ट कॉलेज जाओ, कॉलेज से बात करो, वो बैठा है वहां, टीचर है, स्टाफ है, जब भी एक दिन मत जाओ, दो दिन तीन दिन रैंडम जाओ, फोन करके मत जाओ, फोन करके जाओगे आज आ रहा हूँ, जैसे सीबीआई बता दे कि मैं आ रहा हूँ, आप यहाँ छापा मारने तो बैठा रहेगा सब सेटअप लगा के ना। तो कॉलेज जहाँ एडमिशन लेना है अपने आसपास घूमो फिरो, देखो, है ना, वहां पर दो तीन दिन जाओ घूमते फिरते, बच्चे हैं, स्टाफ हैं, कॉलेज खुलता है कि नहीं खुलता है, ऐसा तो नहीं है पूरा कबूतर बैठी हुई है एक तरफ से, पूरा झाला लगा हुआ है, बिल्डिंग खुली ही ना हो, बहुत दिनों से पूरा जंगल लगा हुआ है अगल बगल। इन चीजों से बचो भाई, ऐसे नहीं बचोगे तो बाद में क्या होता है मैं बता रहा हूँ। सर मेरा एडमिट कार्ड नहीं है, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई, मेरे पापा का नाम गलत हो गया, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम, सर मेरा प्रैक्टिकल का नंबर ही नहीं चढ़ा, मेरा तो एनसीबीटी वाला एडमिट कार्ड नहीं आया, यूपी वाला एडमिट कार्ड आ गया, वो वाला नहीं आया, ये हो गया। ये जितनी बीमारी होती है ना, बीमारी क्यों होती है? क्योंकि आप सस्ता माल खरीदते हो। जब 100 रुपए किलो अनार चल रहा है मार्केट में, यानी जब निर्धारित है कि 18000 भी फीस होती है कॉलेज की, जब 100 रुपए किलो अनार चल रहा है मार्केट में, अब आपको 40 रुपए में कोई अनार देगा तो इस अनार में क्या मिलेगा आपको? अनार के अंदर दाना मिलेगा? हाँ मिलेगा। कौन सा वाला? लाल वाला नहीं, सफेद वाला। और कौन सा जिसमें जूस नहीं होगा, सिर्फ वो दाना ही होगा, मतलब उससे बीज होगी, तो उसमें क्या है, कोई फायदा होगा? नुकसान होगा। तो भाई जितने भी बच्चे आप आईटीआई कर रहे हो ना, अगले को जरूर बताना कि भाई सावधानी बरतो शुरू में ही, बाद में फिर यही करना पड़ेगा, ए मैं तो लुट गया। तो इन चीजों से बचिए, क्लियर करके अपना सब पहले देखिए, एनसीबीटी की वेबसाइट पर जाइए, एनसीबीटी की वेबसाइट पर हर कॉलेज का नाम होता है, उसका पता होता है, देखिए कि जो पता है, जो नाम है, वहीं पर आपका एडमिशन हो रहा है, उसी जगह पर आप जा रहे हैं, कौन कौन सी ट्रेड में मान्यता है वो भी चेक करिए। और बात आ जाती है सफलता की कि आईटीआई क्यों करें यार, आईटीआई तो बेकार है। तो समस्या ये होती है हमारी आपकी, कोई भी अगर हम सिंपल ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीए बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हमने कर लिया आईटीआई कर लिया, या हमने डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, या फिर हमने बीटेक कर लिया, या फिर हमने एमटेक कर लिया, है ना, इस तरह की चीजें हो गई, या फिर आ जाइए हम नर्सिंग में कोई कोर्स कर लिया, हमने नर्सिंग का कोई कोर्स कर लिया, हमने एमबीबीएस कर लिया, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कोर्स हैं। एजुकेशन सिस्टम भारत का लगभग एक समान ही है, सारी पढ़ाई होती है। तो क्या किस किस एजुकेशन में गारंटी है आपके कि 100% जॉब मिलेगा? सफलता आप किसके बेसिस पर मानते हैं? सफलता यही आप मान रहे होंगे, तीन क्राइटेरिया है सफलता के लिए, तीन क्राइटेरिया आप लेकर चलोगे, मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ी सच्चाई है। जो मैंने कहा था ना कुछ आपको पहले ही, आईटीआई का नाम लेते ही कुछ लोग टर टर बोलना शुरू हो जाएंगे, वो एक दिन भी कॉलेज भी नहीं गए होंगे, या फिर उन्होंने सिर्फ अपने को एक जगह केंद्रित कर लिया होगा। और दूसरी चीज कि यार सब लोग सफल नहीं होते, हमें भी पता है,
जैसे मुझे भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ, क्या मैंने नहीं चाहा था, मैंने भी सोचा था, मैं सोचता था कि बीटेक करूंगा बीएसएनएल में, जेटीओ की वैकेंसी आया करती थी तो उस समय इस तरह का प्लान था, बीटेक किया उसके बाद वैकेंसी ही नहीं आई, ट्राई करने का ही मौका नहीं मिला, तो नहीं मिली मुझे सरकारी नौकरी। लेकिन अब ये देखना होता है आपको कि सबसे पहला टारगेट हम क्या बना लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब बना लेते हैं, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या हो जाता है, प्राइवेट जॉब, है ना। उसके बाद तीसरा टारगेट क्या हो जाता है कि भाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, हम कुछ अपना करने की कोशिश करें। लेकिन अब इतने के बावजूद भी क्या 100 में 100 लोगों को सफलता मिलती है? नहीं, सफल तो 2-4-10% लोग ही होते हैं, ये दुनिया है, ये कड़वी सच्चाई है। तो जो सफल हो जाता है वो ज्ञान देता है, जैसे आप कह सकते हो अभी मैं ज्ञान ही दे रहा हूँ एक तरह से, और जब असफल हो जाता है व्यक्ति तो उसको लोग सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, फिर वो फ्रस्ट्रेशन में जो पढ़ाई किया होता है उसी का रोना रोता है। मेरे साथ के बीटेक किए हुए मेरे साथ के बच्चे, कुछ लोग चाइना में भी काम कर रहे हैं जिनकी एनुअल सैलरी 40 लाख रुपए भी है, और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 15,000 रुपए में प्राइवेट कॉलेज पर मंथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है ना, सेम पढ़ाई किया, सेम कॉलेज से किया, सेम ट्रेड थी, लेवल भी लगभग सेम था, परसेंटेज भी सेम था, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। तो इसीलिए आप ये तय नहीं कर सकते। बाकी आप बात कर लेते हैं कि अगर टेक्निकल में आप जाते हो, ठीक है, टेक्निकल में जाते हो तो कम से कम 20 वैकेंसी की ही मैं बात करता हूँ, कभी 20 किसी जगह आ रही है, किसी जगह 40 पोस्ट आ रहा है, किसी जगह 60 आ रहा है, किसी जगह 80 आ रहा है, कहीं 100 आ रहा है, कुछ बिजली विभाग में 1500 सीट कहीं आ रही है, कहीं 2000 सीट आ रही है, कहीं जो है 900 सीट आ रही है, ठीक है। ये सब सीटें आखिर आ रही हैं तो ये किसके लिए आ रही हैं? एटलीस्ट आईटीआई के बच्चों को ये नौकरी तो मिल रही है। अब बीटेक के लिए आप सीट ढूंढ के दिखा दो, माइक्रो लेंस भी लगा लोगे तो शायद, जब ये जो इतनी सीटें आ रही हैं आईटीआई के लिए आ रही हैं, तो ये टोटल मिला दोगे तो इसको कहीं 100 सीट देखने को आपको मिल जाएगी, ये रेशियो है, तो है ना। तो ये चीज है कि अब देखो, करने को तो 10 लाख आईटीआई करेंगे लेकिन 10 लाख बच्चों को नहीं नौकरी मिलेगी दोस्त। तो इसलिए कह देना कि आईटीआई बेकार है, नहीं, बीटेक भी बेकार है। अगर हम सफल हो गए, कोई भी कोर्स किया हमने, सफल हो गए तो हमारे लिए वही सही है, और अगर हम सफल नहीं हुए तो वो गलत है। जैसे आपने देखा होगा आजकल, जो अभी मैंने कुछ देर पहले चाय बेचने वाले को बताया था ना, आपने न्यूज में भी देखा होगा, उसके पास बिल गेट्स गए थे, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, वो भी चाय पीने गए थे, अब वो करोड़ों रुपए का मालिक हो रहा है बंदा, क्या है, हाई स्कूल इंटर है वो, तो ना तो आईटीआई किया ना बीटेक ना वो किया। तो एजुकेशन से हम अपनी सफलता को जोड़कर, सफलता को हम सब मिलाकर किस में जोड़ते हैं, वही तीन चीजें मैंने बताया कि नौकरी रोजगार व्यवसाय पर ही जोड़कर चलते हैं। तो अब हमें देखना पड़ेगा अपने कैपेबिलिटीज को, मौका। अब देखो, अभी लाइफ की मैं बात कर रहा हूँ, सीआईटीएस कोर्स होता है ना आईटीआई टीचर के लिए, आईटीआई टीचर बनना है तो आपको सीआईटीएस कोर्स करना होगा, ठीक है, सीआईटीएस कोर्स करना अनिवार्य है, नहीं है, कुछ जगहों पे है कुछ जगह नहीं है। अब सीआईटीएस करने वाले जो बच्चे हैं, जो करके बैठे हुए हैं, वो कहेंगे सीआईटीएस बेकार है, ठीक है। मैंने भी किया हुआ है सीआईटीएस, मैंने भी कहा है सीआईटीएस, मैंने भी किया हुआ है, मैं 2015 में सीआईटीएस किया, ठीक है। अब जब 2014 में वैकेंसी आई थी, 2012-14 के राउंड में, 2014 के राउंड में वैकेंसी आई थी यूपी में, तब क्या था कि मेरिट बेसिस पर था, उसमें सीआईटीएस का नंबर वेटेज दिया जाता था, मेरी मेरिट अच्छी नहीं थी तो मैं सोचा सीआईटीएस कर लेता हूँ। लेकिन जिनके पास उस समय सीआईटीएस था उन्होंने तो बाजी मार ली, जब मैं सीआईटीएस किया तो मेरिट वाला सिस्टम खत्म हो गया कि रिटेन एग्जाम होगा। उसके बाद क्या हुआ, वैकेंसी आई अभी आपका, मुझे लग रहा है कि 2022 के राउंड में, ठीक है, यूपी की ही बात कर लेता हूँ, 2022 के राउंड में वैकेंसी आई। अब इसमें कह दिया कि सीआईटीएस अनिवार्य रहेगा, क्या रहेगा, सीआईटीएस अनिवार्य रहेगा, लेकिन उसके साथ उन्होंने बोल दिया कि पीईटी भी अनिवार्य है। अब मैंने क्या सोचा, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैंने क्या सोचा कि यार पेट वेट कौन करेगा, बेकार है ये, बेकार है, मैंने पेट नहीं किया, बेकार है बेकार है कह के छोड़ दिया। और क्या हुआ, लगभग 2200 सीट आई और सीआईटीएस और पेट करने वाले बच्चे सिर्फ 4400 थे, और इसका एग्जाम भी हो गया है, आंसर की भी आ गया है, और जल्द ही इस 4400 में से 2200 लोगों को नौकरी मिलने वाली है, और जुलाई के आसपास की उम्मीद है कि जुलाई में इनको नौकरी मिल जाएगी। तो 2015 से करके और उसके पहले जो भी किए हुए थे बच्चे, सब सीआईटीएस बेकार है। लेकिन अचानक से मौका मिला ना, आज ये क्या होगा, अच्छी खासी सैलरी होगी, 50 से 60 हजार पर मंथ सैलरी स्टार्टिंग इनकी शुरू हो जाएगी 2200 की,
सिर्फ 4400 बच्चे थे जिन्होंने पेट भी किया था और सीआईटीएस भी किया था। तो मौके हैं और ये हम नहीं कह सकते। अब इनके लिए तो अच्छा है, लेकिन मेरे लिए तो सीआईटीएस बेकार हो गया क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिल पाया कि मैं इसको भजा पाऊं। जैसे कई बार होता है ना कि आपके पास कैश है, चेक है, तो चेक का ड्यूरेशन होता है कि सही मौके पर है आपके पास, सही टाइम पर है तो काम आ गया। ऐसे ही यूपी में वैकेंसी आई थी नर्सिंग के लिए, नर्सिंग के लिए भी हालत ये हो गया था कि जो लोग मतलब माइनस में नहीं थे ना, जीरो के छोड़ के एक नंबर वाले भी जो थे उनका भी सिलेक्शन हुआ था, एक नंबर वालों का भी सिलेक्शन हो गया था। क्यों? क्योंकि नर्सिंग वाले जो कोर्स करने वाले बच्चे कम थे और उसमें से पेट लागू हो गया था, तो पेट करने वाले और कम हो गए, तो क्या हो गया, यही हो गया ना। अब बाकी उसके बाद मैंने भी दो तीन बार पेट दिया कि चलो यार पेट दे लेता हूँ, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं। अब जो वैकेंसी वही होगी ना, तो मेरे लिए तो पेट बेकार हो गया, मेरे लिए सीआईटीएस भी बेकार हो गया। तो यही होता है, इससे हम नहीं निर्धारित कर सकते। अब आईटीआई करने के बाद जो बच्चे आईटीआई करने के बाद डीआरडीओ में नौकरी कर रहे हैं, यूपीपीसीएल में नौकरी कर रहे हैं, है ना, बिहार में वैकेंसी आई हुई है अभी फिलहाल में, आने वाला है फॉर्म भराया जाएगा लगभग 2000-2500 वैकेंसी से, है ना। उसके बाद इसरो में जो नौकरी कर रहे होंगे, जो मेट्रो में नौकरी कर रहे होंगे, है ना, जो यूपी आरजीएनएल में नौकरी कर रहे हैं, उसके अलावा ये आपका पंजाब का भी पीएसपीएल करके, है ना, पीएसपीएल इस तरह से पंजाब का भी कॉरपोरेशन है, वहां पर भी बहुत लोग नौकरी कर रहे होंगे। तो जो ये लोग नौकरी कर रहे होंगे, अब इनसे आप पूछोगे कि भाई आईटीआई का क्या है, आईटीआई बेकार है, तो गलती से भी बोलेंगे बेकार है। तो सब मिलाकर आईटीआई बेकार नहीं है, अगर हम सफल हो गए तो ठीक है, नहीं सफल हुए तो बेकार है। अभी भी जो फॉर्म भरा जा रहा है टेक्नीशियन का फॉर्म भरा जाएगा, अब इसमें कौन होंगे, जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा वही नहीं होने वाले हैं। तो आईटीआई बेकार है कि सही है, जिनकी नौकरी लग जाएगी वो तो गलती से भी किसी से नहीं कहेगा ना कि बेकार है, वो तो कहेंगे मजा आ गया। जो लोको पायलट बनेंगे आईटीआई बेसिस पर उनके लिए सही है, जो नहीं बनेंगे उनके लिए क्या है, बेकार है। तो ये पैरामीटर नहीं है कि कौन सा कोर्स सही है कौन सा बेकार है। और सब मिलाकर आपको मेन मोटिव मेरा ये था कि भाई इससे बचना, आईटीआई एडमिशन कराते समय ये बहुत बढ़िया बढ़िया लुभावना ऑफर देगा आपको, इससे बचना। ये फंसाएगा तो आपका कॉलेज से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहेगा नहीं, ढेर सारी समस्याएं आएंगी, फिर जो है आप झेल जाओगे, फंस के परेशान हो जाओगे, लुट जाओगे। असली जड़ ये होती है, अपने नज़दीक में अपने आसपास ढूंढिए जो अच्छे कॉलेज हैं आईटीआई के, वहाँ पर डायरेक्ट विजिट करिए, सरप्राइजली जाइए, देखिए वहाँ पर चीज़ें हैं कि नहीं है, क्लासेस का हाल चाल क्या है, पुराने बच्चों को कोशिश करिए वहाँ से मिलने की जो पहले से आईटीआई कर रहे हैं, पूछो भैया तुम्हारा सब कुछ सही से चला था ना, कोई परेशानी तो नहीं हुई, उसके बाद डिसीजन लीजिए। बाकी एनसीवीटी की वेबसाइट है वो मैं आपको दिखा दूँ, एनसीबीटी की वेबसाइट है ncbtmis.gov, ऐसे सर्च करोगे गूगल में तो वेबसाइट मिल जाएगा। इस वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट आप सर्च कर सकते हो, जिले डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज, ठीक है, आप मेरा कॉलेज भी सर्च कर सकते हो गूगल में जाकर, RN ग्लोबल प्राइवेट ITI अगर आप पूरा टाइप करोगे तो इस तरह से आपको मिल जाएगा, RN ग्लोबल प्राइवेट ITI हथौड़ा उत्तर प्रदेश लिखा हुआ मिल जाएगा, डायरेक्शन लोकेशन पूरा मिल जाएगा आपको गूगल पे इसका, ठीक है। तो इसको भी आप सर्च कर सकते हो, कैसे सर्च कर सकते हो, देखो यहाँ पर आ जाओ, आईटीआई पर जाओ, आईटीआई में देखो आईटीआई सर्च का ऑप्शन है पहला ही, आईटीआई पर क्लिक करोगे आईटीआई सर्च का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, उसके बाद आ जाओ आप, एग्जाम सिस्टम अब एनुअल हो गया है तो यहाँ पर आपको करना होगा सेलेक्ट में, क्या करना होगा, एनुअल करना होगा। उसके बाद जिस स्टेट में आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आईटीआई, मान लेते हैं उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश करिए, मैं यहाँ पर आप आ जाइए गाजीपुर में आ जाते हैं, मैं अपने जिले का अपनी कॉलेज अपने जिले की लिस्ट आपको दिखा देता हूँ, गाजीपुर आ जाइए, उसके बाद सर्च कर दीजिए, बाकी चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। ट्रेड अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं किस ट्रेड में, आपको पहले से क्लियर है भाई मुझे ये ट्रेड करना है, तो आप यहाँ से ट्रेड भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं फिटर का हमने कर लिया, उत्तर प्रदेश गाजीपुर फिटर सर्च किया, नीचे सर्च कर दीजिए, पूरी गाजीपुर में जितने भी कॉलेजेज होंगे पूरी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। हालांकि अभी यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ सिलेक्शन में गड़बड़ है, नहीं तो यहाँ पर लिस्ट आ जाती है, अभी जीरो दिखा रहा है। फिटर NSQF वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैंने फिटर नॉर्मल कर दिया है, ये पुराना फिटर है ना आपका, जो फिटर है वो NSQF के नाम से है, चलिए इलेक्ट्रीशियन NSQF कर लेते हैं, ठीक है। अब सर्च कर लीजिए तो इलेक्ट्रीशियन के नाम से उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिले में 173 ITI कॉलेज हैं जो एक्टिव हैं, उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने है, ठीक है। हर कॉलेज का नाम, इनका यहाँ पर एड्रेस,
कितनी ग्रेडिंग भी, ग्रेडिंग से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से ग्रेडिंग है। ग्रेडिंग मतलब किसको कितना नंबर मिला है। आईटीआई कॉलेजेस की भी जांच होती है समय समय पर, तो ग्रेडिंग में दिखाएगा कि उसको 10 में से कितने नंबर मिले हैं। सीटों की संख्या भी दिखाएगा किस कॉलेज में कितनी सीट है। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, अगर यहाँ पर सीरियल वाइज होता है ये, ठीक है, चलिए नीचे ले चलता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए आरएन ग्लोबल आईटीआई लिखा हुआ ना, इसके ऊपर आप क्लिक करिए, यहाँ पर इसका कोड है, कोड के ऊपर क्लिक करेंगे, कॉलेज का नाम, कॉलेज की वेबसाइट, 2016 में कॉलेज खुला था, कितनी ग्रेडिंग है, 10 नंबर में 7.70 नंबर है। गूगल मैप पे लोकेशन आप डायरेक्ट ढूंढ सकते हो, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्ट लोकेशन मिल जाएगा कॉलेज का। ठीक है, दिखाएगा आपको अगले पेज पर। उसके बाद आ जाइए इधर प्रिंसिपल डिटेल में, देखिए विवेक सिंह यादव लिखा हुआ है। ठीक है, और ट्रेड की डिटेल्स आ रही है, क्या है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, 2 वर्ष की ट्रेड है, कितनी सीटें हैं, 60 यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की हैं, 60 फिटर की सीट है। इस तरह से दिखाता है आपको सब कुछ, ए टू जेड का मान्यता हुई थी, कितने शिफ्ट की है, सब कुछ आपको यहाँ दिखेगा। तब समझिए कि भाई ये कॉलेज जो है आपका एनसीबीटी से अप्रूव्ड है और जहाँ एडमिशन ले रहे हैं आप इस तरह से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो मेन था अवेयर करना आपको कि भाई बच के रहना, बुलाता है मगर जाने का नहीं, फंसता है मगर फंसने का नहीं। आप निकलो घर से बाहर, डायरेक्ट कॉलेज से कॉन्टेक्ट करो, समझो चीज़ों को और अपना डायरेक्ट एडमिशन लो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और एक चीज़ और मैं बता दूं, पहले से बहुत बड़ी चीज़ ये है और आपको सबको पता है, क्या पता है, मानो या ना मानो, सस्ता 100 बार, महंगा 1 बार, आपको पता ही होगा, रियलिटी है। महंगा मतलब ये नहीं कह रहा मैं कि आपकी जो आईटीआई की 15-20 हज़ार फीस है, 40,000 फीस है, होगी ज़्यादा ज़्यादा 18,000-36,000 होती है ना, तो जो एक नॉर्मल नॉमिनल फीस होती है 25,000-30,000, जो एक उस बीच में थोड़ा बहुत आदमी फ्लक्चुएट कर लेता है, कैंडिडेट कुछ भाई कुछ थोड़ा बहुत गरीब होते हैं तो कम ज़्यादा लोग कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसा महंगा का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे आईटीआई में एडमिशन ले लो जहाँ की फीस 1,00,000 रुपये हो। अब 1,00,000 से मतलब नहीं, मतलब ये है कि कोई अगर आपको 2,000-4,000-5,000 में आईटीआई करा रहा है तब उससे बचो, क्योंकि वहां पर आपका समय बर्बाद होगा और उसके बाद जितनी बीमारी आती है ना, एडमिट कार्ड, फेशनल, ये वो, तो वो सारा कुछ होगा, क्योंकि वही होगा सस्ता 100 बार। 2 रुपए में आज के टाइम पर केला खरीदेंगे तो उसकी गारंटी नहीं है कि वो सड़ा हुआ निकलेगा कि सही निकलेगा। तो ये आपको तय करना है कि आईटीआई सिर्फ आप टाइम पास के लिए ऐसे सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, गलत सही मिला ठीक है, नहीं मिला कोई बात नहीं, तब तो 2000 वाली आईटीआई आप कर लो। अदरवाइज अगर सीरियसली आपको उसको बेस बनाना है, उसको यूज करना है आपको गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब में, या फिर कई बार कुछ लोग लाइसेंस ही बनवाते हैं प्राइवेट सेक्टर में ठेकेदारी वगैरह करने के लिए, बड़े लेवल पर कॉन्ट्रैक्ट में काम उठाने के लिए, तो भी आपके पास सर्टिफिकेट तो सही होना चाहिए ना, तो उसके लिए सही कॉलेज का चुनाव जरूर करिए। बाकी आप जो है ना अपने लेवल पर अपने सभी बच्चों को अवेयर करिएगा, जैसे होगा आपके अड़ोस पड़ोस वाले होंगे ना, उनको थोड़ा सा ज्ञान दे दीजिएगा, भाई समझ जाओ, नहीं तो ऐसे, बाकी तो इतना मैंने आपको बता ही दिया, बहुत समय ले लिया आपका। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। किसी को बुरा लगा हो तो बुरा मत मानिएगा, इसमें सब कुछ सच बताया है मैंने, ठीक है, और ये एक अनुभव है सामाजिक, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास लिखित प्रमाण है, कोई प्रूफ मांगने लगेगा तो वो तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए वीडियो है। मैं किसी को पर्सनल टारगेट भी नहीं किया हूँ कि किसी को, ऐसा कुछ लोग होता है ना कई बार हर्ट हो जाता है, जैसे वो आपने सुना होगा ना, चोर के तिनके में दाढ़ी, नहीं चोर के दाढ़ी में तिनका, होता क्या है कि अगर जैसे एक कमरे में लोग बैठे हुए हैं और किसी ने थोड़ा सा हवा छोड़ दिया, ठीक है, किसी ने हवा छोड़ दिया, वो अलग बात है किसी को पता नहीं चला, फिर भी कोई अंदाजे के लिए झूठ मूठ में बोल दे, अरे यार कौन हवा छोड़ा, तो जो हवा छोड़ा होगा उसका चेहरे का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाएगा। तो वही सीन यहाँ होता है, जो भी मैंने चीजें बोला है तो कुछ लोग क्या होगा, उसको अपने पर, क्योंकि वो वही काम करते होंगे तो अपने पर रिलेट कर लेंगे और उनको दिल में तुरंत चुभ जाएगी, और चुभ जाएगी तो फिर वो अनाप शनाप बोलेंगे। तो मत, कोई भी दिल पर मत लीजिएगा, मैं सब कुछ एक बस अवेयरनेस के तौर पे बच्चों को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाया हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।